हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं अपना कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जुलाई मंथ का दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, उसमें पूरी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हो, स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 का है। ये यहाँ पर देख सकते हो, योर कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो वैल्यू जो है यहाँ पे देख सकते हो 2,68,389.10 के आसपास है। समरी की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट टाइप की बात करते हैं तो 3 अकाउंट्स है मेरे पास, और यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंगली एक में जो है 2 स्कीम्स है, उसके बाद और एक में एक स्कीम है, और दूसरे में 16 स्कीम्स हैं, एंड फाइनली म्यूचुअल फंड फोलियोस में 2 फोलियोस हैं। तो टोटल जो वैल्यूएशन है 1,619 है पहले वाले में, दूसरे वाले में 120 है, तीसरे वाले में आप देख सकते हो 2,50,000 के आसपास है, एंड म्यूचुअल फंड्स में 16,000 समथिंग है। तो कुल मिला के जो ग्रैंड टोटल बनता है 2,68,389 है। मैंने आपको कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन ऑफ द ईयर भी दिखाया था, चार्ट आप देख सकते हो किस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो अगस्त 2023 में जो मेरा वैल्यू था केवल 50,000 का पोर्टफोलियो था, एंड आज जो है जुलाई 2024 की बात करें तो 2,70,000 के आसपास का पोर्टफोलियो आ चुका है। तो शानदार तेजी है, ग्रोथ और परसेंटेज का भी हिसाब आप नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हो, परसेंटेज चेंजेस कैसे हुए हैं, पैसों में कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में क्या क्या चेंजेस आए, ये आप देख सकते हो। अब जल्दी है आज की न्यू वीडियो में, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। चार्ट को डिस्कस करते हैं, पाई चार्ट को। यहाँ पे देख सकते हो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यूएशन अक्रॉस इन्वेस्टमेंट्स 2,68,000 है एज ऑन 31/7/2024। यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू कलर, ये येलो कलर के दिया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा हो चुका है। मेरा एसेट क्लास की बात करें वैल्यूज़ की, तो सबसे पहले देख सकते हो अदर्स सबसे पहले आ चुका है 1,39,525 के आसपास है, 51.99% यहाँ पे होल्ड करता है। इक्विटी की बात करते हैं तो 1,09,450 की इसमें भी है, लगभग 40% इक्विटी में लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड फोलियोज़ की बात करते हैं, लगभग 6% है। म्यूचुअल फंड हैंडलिंग डीमैट फॉर्म में जो देख सकते हो 1.18% है। तो टोटल जो है 2,68,389 होता है, 100% मेरा वेटेज यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं सिक्योरिटीज़ में, कौन से सिक्योरिटीज़ है मेरे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो एंजल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है मेरे पास, यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं, उसके बाद देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ इक्विटीज़ है मेरे पास। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये पहले था, अभी मैंने सेल कर दिया है तो ये कम हो गया है। उसके बाद चलते हैं होल्डिंग स्टेटमेंट्स में, दूसरे वाले में। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रुकलैन फील्ड रीड्स, यहाँ पे जो है 15 शेयर्स है मेरे पास। आप देख सकते हो HDFC बैंक लिमिटेड, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है इसको अभी, ठीक है। HDFC लाइफ भी मेरे पास उस टाइम पे था, अभी मैंने इसको भी सेल कर दिया है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की बात करें, ये मेरे पास अभी भी है। अभी क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो क्वांटिटी दिखा रहा है 79 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन अभी मेरे पास 200 शेयर्स है। IRB इनबिट फंड की बात करते हैं, यहाँ पे भी जो है दिखा रहा है 64 शेयर्स है, लेकिन एक्चुअली में इतना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे निपॉन लाइफ इंडिया ETF निफ्टी IT की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो टोटल 56 शेयर्स है, लेकिन 13 मैंने नया खरीदा था। पावर ग्रिड इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं 900 शेयर्स और 100 शेयर्स मैंने खरीदे क्रेडिट, तो टोटल 1,000 शेयर्स हो चुके हैं मेरे पास। उसके बाद बात करते हैं एंजल वन में, तो यहाँ पे सिर्फ 8 शेयर्स है मेरे पास, कोई भी चेंजेस नहीं है। ब्रुकलिन फील्ड रीड्स की बात करते हैं तो 15 ही शेयर्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाकी वगैरह आप देख सकते हो, जैसे HDFC बैंक मैंने सेल कर दिया है, HDFC लाइफ सेल कर दिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर बचा हुआ है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की बात करते हैं यहाँ पे भी बचा हुआ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IRB इन्विट फंड, ITC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, निपोन इंडिया, ETF, पॉलीकैब, इंडिया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राइट्स लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कुल मिला के जो पोर्टफोलियो वैल्यू आ रहा है 2,50,419 का है, और बाकी तो आपका म्यूचुअल फंड का है। अभी चलते हैं म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन पीरियड फॉर्म 1/7/2024 से 31/7/2024। सबसे पहले देखिए निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर देख सकते हो बाकी वगैरह सिस्टम इन्वेस्टमेंट जो है मेरा 100 रुपये का जाता है। यहाँ पे अभी क्लोजिंग बैलेंस जो है 42.013 NAV यूनिट्स दिखा रहा है यहाँ पर। सिमिलरली आप देख सकते हो UTI म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस वगैरह 84.80 है। तो कुल मिला के टोटल वैल्यूएशन क्या दिखा रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है टोटल वैल्यूएशन 16,228 है, 1,833 निपॉन में है, एंड 14,395 है आपका UTI म्यूचुअल फंड। तो ये रहा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जुलाई मंथ का। थैंक यू वेरी मच।